22 जुलाई 2009 की शुरुआत। ये सुबह कोई आम सुबह जैसी नहीं होगी, ये एक ऐसी सुबह होगी जब सूर्य उदय तो होगा लेकिन उसकी रोशनी आम दिनों जैसी नहीं होगी। ज्यों ज्यों सूर्य निकलेगा उसकी रोशनी बढ़ने की बजाय कम होती जाएगी, और फिर एक ऐसी सुबह जिसमें सूर्य बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, शायद आकाश में कुछ तारे नजर आने लगे, और हम एक ऐसी अद्भुत घटना के साक्षी होंगे जो बहुत ही कम लोगों को अपने जीवन में कभी कभार देखने को मिलती है। ये कोई चमत्कार या विपदा नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के पिंडों की आपस में लुका छिपी का एक खेल मात्र है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने से ये अद्भुत नजारा संपन्न होगा। इस शताब्दी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण। जुलाई 2009 को इस शताब्दी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, जब सुबह के समय चंद्रमा सूर्य के सामने आ जाएगा और सूर्य को लगभग 6 मिनट 38 सेकंड तक पूरी तरह से ढक लेगा। हमारे देश के कुछ हिस्सों में भी लगभग 4 मिनट तक बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा, आकाश में तारे चमकने लगेंगे और सूर्य का वो रूप देखने को मिलेगा जो शायद हमने पहले कभी न देखा हो। आकाश में होने वाला लुका छिपी का ये खेल हमें कुछ ऐसे अद्भुत नजारे दिखाएगा जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं देख पाते। दिन के समय चमकते तारे, चांद से ढके सूर्य का चमकता करोना, चांद की सतह पर मौजूद पहाड़ियों और घाटियों से छन कर आता हुआ मोतियों जैसा चमकीला प्रकाश, या फिर सूर्य के अंदर से निकलती आग की ऊंची लपटें, इन सब का आनंद हम सूर्य ग्रहण के समय ही उठा सकते हैं। 22 जुलाई को हम सूर्य ग्रहण देश के कई बड़े हिस्सों से देख सकेंगे। ये ग्रहण गुजरात से शुरू होकर इंदौर, भोपाल, बनारस, पटना, गैंगटॉक, दार्जिलिंग से भूटान होते हुए डिब्रूगढ़ और ईटानगर में दिखाई देगा। इसके बाद दक्षिण चीन, म्यांमार से होते हुए प्रशांत महासागर और हवाई द्वीप पर जाकर खत्म होगा। ग्रहण की शुरुआत भारतीय समय अनुसार सूर्योदय के कुछ देर बाद लगभग 5:25 पर होगी। इसी समय चंद्रमा पहली बार सूर्य को ढकना शुरू करेगा। ये ग्रहण का पहला संपर्क बिंदु होगा और लगभग 1 घंटे बाद चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेगा। ये ग्रहण का दूसरा संपर्क होगा। दूसरे संपर्क के एकदम बाद चारों ओर अंधेरा छा जाएगा और सूर्य के चारों ओर एक चमकता हुआ बेहद सुंदर करोना बन जाएगा, और लगभग 3:12 तक बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा। आसमान में सूर्य के ठीक ऊपर की तरफ भोर का तारा यानी शुक्र ग्रह दिखाई देने लगेगा और आसपास के कुछ चमकदार ग्रह और तारे भी जगमगा उठेंगे। चंद्रमा का धरातल समतल नहीं है, वहां भी पहाड़ और घाटियां हैं। जब चंद्रमा ग्रहण के समय सूर्य को ढकता है तो वहां के पहाड़ और घाटियों के अंदर से सूर्य का चमकता हुआ प्रकाश किसी हार में जड़े हीरों के जैसा लगता है। जैसे ही चंद्रमा का एक हिस्सा सूर्य के सामने से खिसकता है, अचानक आकाश में सूर्य के प्रकाश की किरण एक हीरे की चमक की तरह चंद्रमा के पीछे से बाहर निकलती है। ऐसा लगता है कि ये सूर्य नहीं बल्कि आकाश में एक हीरे की अंगूठी है। ग्रहण की ऐसी दशा को हम डायमंड रिंग के नाम से जानते हैं।
धीरे धीरे लगभग एक घंटे बाद जब चंद्रमा का चौथा और अंतिम संपर्क सूर्य से हटेगा तो सूर्य फिर से अपनी उसी चमक से धरती को अपनी रोशनी से सराबोर कर देगा और ग्रहण खत्म हो जाएगा। ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक होता है, इसे बहुत सावधानी से देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण को सुरक्षित तरीके से कैसे देखा जा सकता है ये हम बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक साधारण दिन में भी सूर्य की चमक बहुत ज्यादा होती है। हम सीधे सीधे सूर्य को नहीं देख पाते और अगर गलती से सूर्य की ओर नजर चली भी जाए तो सेकंड के छोटे से हिस्से में भी हमारी आंखें अपने आप वहां से हट जाती हैं। सूर्य ग्रहण भी कतई खतरनाक नहीं होते यदि इसे थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए देखा जाए। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हों और कोई अचानक बिजली का बल्ब जला दे तो आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं। इसी तरह से जब अचानक बिजली चली जाए तो आप कुछ समय के लिए अंधे से हो जाते हैं। दरअसल हमारी आंखों के काले भाग में एक छोटी सी पुतली होती है, इसे हम प्यूपिल कहते हैं। ये तेज प्रकाश में सिकुड़कर बहुत छोटा हो जाता है जिससे हमारी आंखें स्वयं अपनी रक्षा कर लेती हैं। प्यूपिल कम ज्यादा प्रकाश के अनुसार अपना आकार घटाता बढ़ाता रहता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान यही होता है। आमतौर पर सूर्य को खुली आंखों से देख पाना संभव नहीं है क्योंकि वो काफी चमकीला है। जब चांद सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो अंधेरा छा जाता है। अंधेरा छाने से प्यूपिल बड़ा हो जाता है। जब आप सूर्य ग्रहण का आनंद उठा रहे होते हैं और अचानक सूर्य चांद के पीछे से निकल आता है, क्योंकि हमारी प्यूपिल इस दृश्य के लिए तैयार नहीं होती और बड़ी होने की वजह से अचानक बहुत सा चकाचौंध प्रकाश ग्रहण कर लेती है, ये हमारी आंखों के लिए काफी हानिकारक साबित होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सूर्य ग्रहण का लुत्फ ही नहीं उठा सकते। हाँ, इतना जरूर है कि हमें सूर्य ग्रहण देखने के लिए सुरक्षित तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। बिना आंखों को नुकसान पहुंचाए हम सूर्य ग्रहण का सुरक्षित अवलोकन कर सकते हैं। ग्रहण देखने के लिए किसी उपयुक्त फिल्टर का इस्तेमाल किया जाए जो सूर्य की किरणों की तीव्रता को इतना कम कर सके जिससे आंखों के लिए किसी किस्म का खतरा ना हो। आमतौर पर ऐसे फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए जो सूर्य के प्रकाश की तीव्रता का केवल 10,000वां हिस्सा हमारी आंखों तक पहुंचने दे। पूर्ण ग्रहण की अवधि के दौरान सूर्य को बिना फिल्टर के देखा जा सकता है। खग्रास या पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि केवल सुरक्षित ही नहीं बहुत खूबसूरत भी होती है, पर उसके पहले और बाद में आंखों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। सूर्य को फिल्टर से भी लगातार 15-20 सेकंड से ज्यादा नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण को देखने का सबसे सुरक्षित तरीका है उसे अप्रत्यक्ष रूप से देखना, यानी किसी भी प्रकार उसकी छवि किसी स्क्रीन पर अंकित करके फिर केवल छवि को देखना। सोलर रिफ्लेक्टर सूर्य ग्रहण को देखने का सबसे सहज माध्यम है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बॉल लें, उसे बीच से काटकर उसमें कुछ पत्थर या मिट्टी भर दें ताकि वो थोड़ा भारी हो जाए। इसके बाद एक दर्पण का टुकड़ा लें और एक कागज की मदद से उसे गोलाकार आकृति दे दें। बाद में उसे गेंद पर चिपका दें।
हो गया आपका सोलर रिफ्लेक्टर तैयार। आप इससे सूर्य की छवि किसी भी दीवार पर अंकित कर ग्रहण दर्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटा टेलीस्कोप है, उसको सूर्य की ओर करके उसके आईपीस के सामने सफेद कागज रखकर अच्छी व बड़ी छवि बनाई जा सकती है। किसी भी दशा में सूर्य को सीधे टेलीस्कोप या दूरबीन से ना देखें, तुरंत अंधे होने का खतरा है। एक पिनहोल कैमरा बनाकर ग्रहण की छवि देख सकते हैं। दो गत्ते के टुकड़े लें, इसमें से एक गत्ते में पिन से एक छोटा सा छेद कर लें। सूर्य की ओर पीठ करके पहले गत्ते को सूर्य के सामने इस प्रकार रखें कि उस पर सूर्य की रोशनी पड़े। सूर्य की एक छोटी सी छवि बन जाएगी। आप इस छवि से कटा हुआ सूर्य देख सकते हैं। किसी घने पेड़ की पत्तियों से छन कर आती धूप धरती पर सूर्य की आकृतियां बनाती है। ग्रहण के समय आपको इनमें सूर्य की सैकड़ों छवियां बनी नजर आएंगी, जिनमें सूर्य कटा हुआ दिखेगा। आप वेल्डिंग करने वालों का 14 नंबर का शीशा भी प्रयोग कर सकते हैं। वेल्डिंग से भी लगभग उतनी ही ज्यादा पराबैंगनी किरणें निकलती हैं जितनी सूर्य से। इस शीशे के जरिए ग्रहण को देखा जा सकता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय विभिन्न संस्थानों द्वारा ऐसे चश्मे उपलब्ध कराए जाते हैं जो सूर्य ग्रहण को देखने का सबसे सुरक्षित जरिया होते हैं। कई परंपरागत माध्यम भी सूर्य ग्रहण देखने के लिए सुरक्षित नहीं है, जैसे काला कांच, कलर फोटोग्राफिक फिल्म, एक्सरे फिल्म की एक परत, धूप के चश्मे इत्यादि। नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को कतई ना देखें। पानी में सूर्य की छवि देखना पूर्णतया सुरक्षित नहीं है। पानी में गहरा रंग मिला देने पर भी ये पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। इसमें कुछ सेकंड ही ग्रहण को देखा जा सकता है। सुरक्षित ग्रहण दर्शन के ऐसे ही कुछ टिप्स लेंगे हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ शो के अगले सेगमेंट आपके सवाल में। मैं जानना चाहती हूँ कि सूर्य ग्रह इतना सुंदर क्यों दिखता है। देखिए, खूबसूरत है या नहीं ये मैं नहीं कहूँगा। मुझे दो सूर्य ग्रहण देखने का मौका मिला है, पूर्ण ग्रास। उसमें सबसे खास बात जो ये है कि एकदम दिन के टाइम में धीरे धीरे सूरज की रोशनी जो है कम होते होते एकदम अचानक इतना अंधेरा हो जाता है कि एकदम रात है। ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत बड़ा एक स्विच ऑफ कर दिया और पूरी धरती जो है रात हो गई। तो ऐसा एक्सपीरियंस जो है वो जिन्होंने नहीं देखा वो कभी महसूस नहीं कर सकती कैसा होता है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि अगर इस बार अगर मौका मिले, क्योंकि बरसात का मौसम है तो ये हो सकता है कि बादल आ जाए, पर अगर ना बादल आए, अगर तो मौका मिले तो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका ज़िंदगी में दो बार कई बार नहीं आता है। हाय, मैं अभिषेक हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हम सूर्य ग्रहण को किसी पुरानी एक्सरे फिल्म की मदद से देख सकते हैं? इसमें पुरानी नई की बात नहीं है। जो फिल्म है वो होनी चाहिए, पूरी फिल्म जो है वो ओवर एक्सपोज्ड होनी चाहिए। जैसे आप कोई भी फिल्म ले लें और जिसमें कुछ कोई चीज़ है तो वो सेफ नहीं होगी। वो टोटली फुली ओवर एक्सपोज्ड होनी चाहिए। उसमें कहीं कोई छिद्र या ऐसा कुछ मार्क नहीं होना चाहिए जिसमें लाइट पास हो सके। तो इसलिए वो थोड़ा
उसके लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी फिल्म आप पुरानी ले के देखें, ऐसा सेफ नहीं है वो। तो उसमें कोई मार्किंग नहीं होनी चाहिए, कोई छेद नहीं होना चाहिए, कोई अंडर एक्सपोज्ड पोर्शन नहीं होना चाहिए, फुली एक्सपोज्ड फिल्म वो सेफ है। हाय, माय नेम इज़ अस्मिता और मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सूर्य ग्रहण को सेफ तरीके से देखा जा सकता है? सूर्य ग्रहण को सेफ तरीके से देखने के लिए कई हैं। एक तो आप पिन होल कैमरा यूज़ कर सकते हैं, जहाँ काफ़ी कॉमन है, जहाँ आप किसी पेड़ के नीचे खड़े होके जब काफ़ी सारा ग्रहण लग जाता है तो उसका इमेज जो किरणें पत्तों की रोशनी से निकलती हैं बीच में से, वो अपना सूर्य का इमेज बनाती हैं, उसको भी देख सकते हैं। जहाँ आप एक छोटी सी टेलीस्कोप भी ले सकते हैं, छोटी सी टेलीस्कोप, एक उसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है 1 इंच या 2 इंच का होगा, जो आईपीस को एडजस्ट करके आप थोड़ा सा बाहर निकाल के सूर्य का इमेज एक दीवार पर बना सकते हैं, जहाँ एक वाइट पेपर पर बना सकते हैं, वाइट पेपर शाइनिंग होना चाहिए, नॉर्मल वाइट पेपर पर बना सकते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। तो क्या होता है, टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव है, जनरली तो आप आईपीस से देखते हैं, पर आईपीस को थोड़ा सा बाहर निकालने के लिए तो आप देख सकते हैं पेपर पर उसका इमेज बन जाएगा, जो 4-5 इंच हो जाएगा, तो वो आपको देखने में काफ़ी कन्वीनियंट भी लगेगा, ब्राइट भी नहीं होगा, ज़्यादा तेज़ रोशनी भी नहीं होगा, आँखों को अखरेगा भी नहीं, तो उससे आप सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं। जहाँ आप एक बर्तन में पानी ले सकते हैं, परंतु बर्तन जो चमकीला नहीं होना चाहिए, बर्तन आम बर्तन होना चाहिए जो शाइनिंग नहीं होना चाहिए, शाइनिंग होगा तो आपको तेज़ लाइट आपकी आंखों में पड़ने का डर होता है, और वाटर स्टेबल होना चाहिए, ये नहीं हो कि वाटर हिलता रहे, वाटर अगर हिलता रहेगा, पानी अगर हिलता रहेगा तो उससे वो फोकसिंग टेंडेंसी बन सकती है, तो वो आंखों में लाइट फोकस हो सकती है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको पार्शल सूर्य ग्रहण देखना चाहिए। पूरे सूर्य ग्रहण देखते समय तो आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, ना कोई फिल्टर की जरूरत है, आप सीधी आसमान की तरफ देख के, सूर्य की तरफ देख के देख सकते हैं। परंतु आपको इतना ध्यान रखना चाहिए, जब सूर्य ग्रहण खत्म होने वाला हो, लाइट थोड़ी सी भी तेज़ होती है, डायमंड दिखाता है, तभी आपको अपनी आँखें सूर्य से हटा लेनी चाहिए, ताकि वो सेफ रहे, आपकी आँखों को भी नुकसान नहीं पहुँचे। माय नेम इज़ अभिनव सिन्हा। माय नेम इज़ त्रिशाला और हम ये जानना चाहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय क्या क्या दिखाई देता है। हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि खग्रास सूर्य ग्रहण के पहले खंडग्रास होता है, जबकि सूरज पूरा कवर नहीं रहता है, उसका शेप जो है वो चांद की तरह रहता है। तो अगर आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं तो उसकी जो पत्तियां होती है उनके बीच में जो थोड़ी सी गैप रहती है, उनका परिणाम स्पिन होल कैमरा की तरह होता है, और सूरज का प्रतिबिंब हमको ज़मीन पर गिरा हुआ दिखाई देता है, वो चांद की तरह रहता है। तो ऐसे बहुत से पिन होल कैमरा के बिंब जैसे आपको ज़मीन पर बिखरे हुए दिखाई देंगे, और ये बहुत ही लुभावना दृश्य रहता है, इसको अवश्य देखें। और जब ग्रहण की शुरुआत हो जाती है और जब समाप्ति होती है, उस समय जब सूरज पीछे से थोड़ा सा चमकने लगता है तो एक डायमंड रिंग का इफ़ेक्ट आ जाता है, कि जैसे कि आप अंगूठी पहने हो, चमक रही हो, तो ऐसे रिंग दिखाई देती है, वो थोड़ी समय दिखाई देती है लेकिन वो देखने लायक होती है। और एक होता है चंद्रमा का जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं रहता, उस पर कहीं गड्ढे हैं और कहीं पर पहाड़ की तरह ऊंचाइयां हैं, तो उसके बीच से जब सूरज का प्रकाश आने लगता है तो हमें मणियों की भास होती है, यानी ऐसा लगता है कि मणि बिखरे हुए हैं चंद्रमा की तरह। इसको बेलीज बीट्स कहते हैं, तो ये बीट्स भी मणि भी देखने लायक होते हैं। तो इसके अलावा सूरज के चारों ओर जिसको करोना बोलते हैं, कि वो बहुत ही चमकदार ऐसा प्लाज्मा रहता है, वो हमको इसी सूरज के ढकने पर ही दिखाई देता है, वो भी देखने लायक होता है।